मैं इस समय गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पत्रोडी में हूं और इस समय पत्रोडी के एक ग्रामीण जो कि बहुत ही निर्धन वर्ग के हैं और आवास रहित ग्रामीण हैं, और आपको मैं दिखाना चाहूंगा पहले तस्वीर। आप तस्वीर देखें, एक ऐसा घर जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, टूटकर पूरा का पूरा छत जो इसका छप्पर जो है वो गिरा पड़ा है, दीवारें बिल्कुल गिरी पड़ी है, जर्जर स्थिति में ये पूरा का पूरा घर इनका है। आप देखें, जहां तक आप देखेंगे ये जो घर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गया है, छप्पर बिल्कुल टूटा हुआ है, दीवारें टूटकर गिरी हुई है। और आप थोड़ा सा और पास आकर अगर देखें तो इस तरफ आप देखेंगे घर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। एक ग्रामीण इस पंचायत के जो है आवास रहित गरीब आदमी वो हमारे साथ यहाँ पर है। देखिए, ये हैं इस गृह स्वामी, इस घर के मालिक यही हैं। इनकी पत्नी बगल में है और इनकी माता जी भी बगल में यहाँ पर खड़ी हैं। क्यों इन लोगों की इस तरह की स्थिति है? पंचायत में जो लाभ होता है पीएम आवास का, वो ऐसे ही आवास रहित गरीब लोगों के लिए है, लेकिन अब तक इन लोगों को पीएम आवास का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और विशेष करके इनसे बात करते हैं जिन्हें एक आवास का सख्त जरूरत है। आप थोड़ा पास आइए। क्या नाम है आपका? ननकू जी, घर जो आपका है बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, बहुत ही खराब स्थिति और दशा में है। कब से इस तरह है? हो गया 2-3 महीना हो गया। पानी पड़ रहा था बरसात में, उसी टाइम गिरा है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 ठो है। 3 क्या क्या है? 1 ठो है पवन दास, वो सुख भी जा रहा है। बच्चे लड़का है, एक लड़की। 2 लड़का 1 लड़की। तो इस घर में ही आप लोग रहते हैं? इसी में खाना ना पकाते हैं, इसी घर में खाना इसी में पकता है। आप बताएं क्या कहना चाह रही थी? आप बच्चे आपके 3 हैं, रहना इसी घर में होता है? हाँ, यही रहते हैं हम लोग। गृह स्वामी और गृह स्वामिनी यहाँ पर हमारे साथ हैं, माता जी भी इनके यहाँ पर है। घर की स्थिति को आप लगातार देख रहे हैं। आप आइए और कुछ चीजों को आपको दिखाते हैं, फिर आपको हैरानी होगी कि क्या स्थिति है, किस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोग ये है घर का एक विशेष स्थान जहाँ किसी तरह से लोग रह रहे हैं और जो कहीं किसी हद तक रहने लायक है। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से बाहर बात करेंगे और इनकी बात को और भी सुनकर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं ये लोग। आप थोड़ा बाहर जाइए, बाहर जाइए। आप हमारे साथ आए कैमरामैन। आप तस्वीरें देख रहे हैं ग्राम पंचायत पत्रोडी का, गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ये पंचायत है। एक बहुत ही निर्धन परिवार, गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पत्रोडी की लाइव तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। पंचायत के विभिन्न गांवों का भ्रमण हो रहा है और पंचायत वासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आप देखें अपने स्क्रीन पर इस समय हमारे साथ एक परिवार है, यहाँ पर पति पत्नी है जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। पीछे देखें इनका घर, खपड़ैल घर है। किसी तरह से इस घर में ये लोग रह रहे हैं। आइए यहाँ से बात करके जानने की कोशिश करें कि क्यों अब तक इन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। आप पास आइए। क्या नाम है? क्या करते हैं दास जी? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री लेबर। इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में। कितना बच्चा है? 4 बच्चा। क्या क्या है? 3 लड़की है, 1 लड़का है। 3 लड़की 1 लड़का। घर कच्चा है यार, कॉलोनी नहीं मिला? नहीं, कॉलोनी नहीं मिला। मुखिया जी से कभी बात की है? बात की है, बोला अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा। आप बताइए, क्या आपने कभी अपना समस्या मुखिया के सामने रखा? हाँ, मुखिया जी का कहते जब करे, बोला अभी ना एलो कॉलोनी, ना एलो अप्रैल में ये तो, तब अबरी महीना ये तो, अबरी महीना ये तो, इसने बोले। जब के बोले तब के मुखिया जी वही बात बोलता है। आवास आपको नहीं मिल पा रहा है? हाँ। और कोई लाभ? कोई लाभ ना दे, कोई लाभ नहीं। पत्रोडी पंचायत के ग्रामीण को आप सुन रहे थे। आवास की इन्हें आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा परिवार है, गरीब है, मजदूर वर्ग के आदमी है, मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, कच्चा मकान है। मुखिया से बारंबार इन्होंने आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है एक आवास के लिए, कॉलोनी के लिए पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए, लेकिन इनके अनुसार मुखिया को बार बार कहने के बाद भी अब तक इनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। धन्यवाद। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पत्रोडी के ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत होने का प्रयास हो रहा है। लोकतंत्र भारत की टीम आज
गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पतरोडी के भ्रमण पर है। हमारे साथ पतरोडी के कुछ लोग यहाँ पर है। देखिए पति और पत्नी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। पीछे आप स्क्रीन पर देखें एक खपड़ैल घर है। इनकी समस्याएं हैं कि इनको पीएम आवास का लाभ मिल नहीं पाया है, जबकि इन्हें आवश्यकता है। गरीब है, मजदूरी करते हैं और कच्चे घर में किसी तरह से रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। इनके अनुसार इनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। गुड़िया जी, आपका ये जो घर है इसमें आप लोग रह रहे हैं, घर में कितने कमरे हैं? बस एक ही ठो, एक ही रूम है। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। तो कुल चार लोग जो है एक घर एक रूम में रहते हैं। कच्चा घर है, खपड़ा का घर है। आपको कॉलोनी के लिए क्या आपने कभी मुखिया को बोला? मुखिया को बोले तो बोला कि आएगा तो देंगे। मुखिया जी को आपने कहा है? आप कौन है, पति है क्या? वो हाँ, आप पास आई। आपका घर कच्चा है, क्या काम करते हैं आप? कारखाना में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं और घर आपका कच्चा है, कपड़े का है, दो बच्चा है, पति पत्नी है, चार लोग हैं। कुल चार लोग इस कपड़े का घर में रहते हैं। पति मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। आवास की आवश्यकता है इन्हें और इस बात को लेकर इन्होंने मुखिया से आवेदन किया है और इनके अनुसार मुखिया ने इन्हें कहा है कि आने वाले समय में जब आवास का लिस्ट आएगा तो प्रमुखता के साथ ऐसे लोगों का नाम उस लिस्ट से जोड़ते हुए इन्हें पीएम आवास का लाभ दिलवाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पतरोडी पंचायत के जो ग्रामीण है जिनकी प्रमुख समस्या जो है वो आवास की सामने आ रही है, तो मुखिया जो है इस पंचायत की वो इन लोगों की समस्याओं को सुन रहे होंगे और आने वाले समय में जल्द से जल्द इन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे।